हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे गडेरिया और शेर की कहानी जो आधा हुआ था। आज हम उस कहानी को पूरा करेंगे। तो हमें पता चला था कि गडेरिया जो था वो भेड़ को चराने के लिए जंगल तक जाया करता था, और जंगल में जो शेर है वो भेड़ की खाल ओढ़कर गडेरिया के साथ भेड़ में शामिल हो गया, और भेड़ के गडेरिया ने उसको भी लाकर अपने बाड़े में बंद कर दिया। जब गडेरिया घर आकर गडेरिया ने सबको बाड़े में बंद कर दिया, तो बाड़े में भेड़ को रखने के लिए गडेरिया भेड़ बाड़े बनाया था वो वहाँ पे लाकर सारे भेड़ को बंद कर दिया। उस समय शेर को अच्छा मौका मिला, वो चटपट एक भेड़ को मारकर खा गया। तो वहाँ पे कोई नहीं था, अब शेर को खाना भी मिल गया था, तो वो बहुत दिन से भूखा भी था। जैसे ही गडेरिया वहाँ से चला गया, शेर को मौका मिल गया और वो एक भेड़ को मारकर खा गया। उस दिन क्या हुआ था, उसी दिन गडरिया के घर में मेहमान आए थे, मेहमान व अतिथि आए थे, और गडरिया ने जब उनके अतिथियों को देखा तो उसने सोचा अपने अतिथियों के सत्कार के लिए क्यों ना पास के दुकान से घी और चीनी ले आऊं। वो जब उनके घर में अतिथियों को देखा तो उनको अतिथियों के सत्कार के लिए, अब घर में अतिथि आते तो हम उनको चाय पानी मीठा खाने के लिए बिस्किट कुछ भी देते हैं, तो उनके घर में जब अतिथि आए थे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में अतिथि आए तो उनके लिए वो घी और चीनी लेने के लिए पास की दुकान जा रहा था। वो ज्या ही अपने बाड़े के सामने आया, उसकी नज़र उस खाल ओढ़े शेर पर पड़ी, तो वो उसी बाड़ के सामने से उस दुकान जा रही थी। और जैसे ही वो बाड़ के पास पहुंचा तो वो उस खा भेड़ को देखा जो कि खाल ओढ़कर आया था, मतलब उस शेर को देखा उसने जो खाल ओढ़कर भेड़ के रूप में वहां पे पहुंचा था। उसकी नजर उसके खाल ओढ़े शेर पर पड़ी, उसने हल्ला नहीं किया, वो शेर को देखकर डरा नहीं कि हल्ला भी नहीं किया, वो चुपके से गांव भर के लोगों को बुला लाया। सब ने बड़े साहस और बड़ी चतुराई से उस शेर को घर ली, उन सब ने उसे कैद कर लिया। दूसरे ही दिन उसे शहर के चिड़ियाघर में भेज दिए। तो जैसे उनको पता चला कि शेर भेड़ की खाल ओढ़कर वहां पे आया है, तो वो हल्ला नहीं किया, चुपचाप हो गया, और चुपके से जैसे दुकान के लिए निकला था तो दुकान जा रही हूँ कहकर वो वहां से चला गया। और जाकर क्या किया उसने, गाँव के सारे लोगों को बुलाकर लाया, और गांव वाले वहां पे पहुंच गए और बहुत ही होशियारी से उस शेर को पकड़ ली। और उसको क्या किया, उसको गांव के वाले दूसरा दिन, गांव के पास का एक चिड़ियाघर था जो शहर में एक चिड़ियाघर था, उस चिड़ियाघर में उस शेर को भेज दिया गया। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, जो दूसरे को सताता है, ठगता है, मारता है, उसका हमेशा यही हाल होता है, यही हाल मतलब बुरा हाल होता है। जैसे देखो शेर जंगल में जब रहता था राजा की तरह रहती थी, और राजा की तरह रह रहकर उसने क्या किया, जंगल में जितने सारे पशु पक्षी थे सबको वो मार मार कर खा गया। अब जंगल में कोई नहीं रहा, उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो वो भूख कर सूखकर काटा हो गया था भूख के कारण। और वो क्या किया, भेड़ की खाल ओढ़कर गडरिया को ठग कर वो भेड़ में शामिल हो गया। जैसे ही गडरिया वहां से चला गया उसने भेड़ को भी मारकर खा गया। तो जो वो भेड़ को मारा, पहले तो वो जंगल के सारे पशु पक्षियों को मारकर खा रहा था, अब वो गडरिया को भी ठगा। तो जो लोगों को मारता है, दूसरों को सताता है, ठगता है, उसके साथ भी बुरा हाल होता है, जैसे शेर के साथ हुआ। वो जंगल का राजा है लेकिन उसे गांव वालों ने पकड़ ली, और पकड़ कर कहाँ भेज दी, चिड़ियाघर में भेज दी। तो किसी के साथ भी, किसी को भी ठगना नहीं है, सताना नहीं है, मारना नहीं चाहिए। अगर हम इसके साथ ऐसे करेंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा, हमें भी बुरा करने से बुरा फल मिलेगा। तो समझ में आया ये कहानी, तो अब हम उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो सबसे पहले शब्द और अर्थ दिया गया है। शब्द और अर्थ में ये जितने सारे शब्द हैं ये आपको पढ़कर याद करनी है,
उसके बाद देखो समझ की जांच, सही कथन पर ठीक चिन्ह लगाओ, जो सही है उस कथन पर ठीक चिन्ह लगाओगे, जो गलत है उसको छोड़ देना है, ठीक है। शेर भयंकर जंगली जानवर है, शेर एक भयंकर जंगली जानवर है, ठीक, क्योंकि शेर एक भयंकर जंगली जानवर है तो इसे क्या करोगे, टिक करोगे, वन नंबर को क्या करोगे, टिक करोगे। उसके बाद देखो बहुत दिन तक भूखा रहने के कारण शेर दुबला हो गया था, बहुत दिन तक भूखा रहने के कारण शेर दुबला हो गया था, ठीक, बहुत पूरा सूख कर काटा हो गया था ना। अब 3 नंबर देखो, एक रात शेर ने गडेरिया के घर धर दबोचा, क्या गडेरिया ने, गडेरिया को शेर ने धर दबोचा था। 3 नंबर देखो, एक रात शेर ने गडेरिया को धर दबोचा, ये गलत है क्योंकि वो गडेरिया को कुछ भी नहीं किया था, वो किसे पकड़ा था, भेड़ को। अब 4 नंबर देखो, गडेरिया ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी, ये भी गलत है, क्या गडरिया ने शेर की गर्दन को काटा था क्या, नहीं, उसको तो पकड़कर चिड़ियाघर में भेज दिया गया था। 5 नंबर देखो, गडरिया पकड़ा गया, गडरिया को किसने पकड़ा था गया, नहीं, ये भी गलत है, तो जो सही है उसको ठीक करना, ठीक है। हाँ या नहीं में उत्तर दो। 2 नंबर, क्या गडरिया जंगल में रहता है, गडेरिया जंगल में रहता है, नहीं, गडेरिया जो है वो बस्ती में रहता है। 6 नंबर देखो, यहाँ पे लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे, नहीं। क्या शेर ने भेड़ की खाल ओढ़ी थी, शेर ने भेड़ की खाल ओढ़ी थी, हाँ, तो यहाँ पे लिखोगे हाँ। क्या गडेरिया ने अतिथियों को मारने की बात सोची थी, गडेरिया ने अतिथियों को मारने की बात सोची थी, नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नहीं। क्या गडेरिया ने शेर की गर्दन काट डाली, नहीं। क्या सींग को ही शेर कहा जाता है, सींग को ही शेर कहा जाता है ना, तो यहाँ पे लिखोगे हाँ। अब देखो बताओ का क्वेश्चन आंसर, गडेरिया किसे कहते हैं, गडेरिया किसे कहते हैं, भेड़ चराने वाले को गडेरिया कहते हैं, भेड़ चराने वाले को क्या कहते हैं, गडेरिया। शेर 2 नंबर देखो, शेर सूख कर काटा क्यों हो गया था, शेर सूख कर काटा क्यों हो गया था, क्योंकि जंगल में उसे खाने के लिए एक भी पशु पक्षी नहीं मिला, तो वो भूखा रहने के कारण सूख कर काटा हो गया था। 3 नंबर देखो, गडेरिया भेड़ चराने के लिए कहाँ तक जाया करता था, गडेरिया भेड़ चराने के लिए कहाँ तक जाया करता था, जंगल तक, गडेरिया भेड़ चराने के लिए जंगल तक जाया करता था। 4 नंबर देखो, शेर बाड़े में क्यों बंद हो गया, शेर बाड़े में क्यों बंद हो गया, शेर भेड़ की खाल ओढ़कर भेड़ में शामिल हो गया था, इस कारण वो बाड़े में बंद हो गया था। शेर का अंत किस तरह हुआ, शेर किस तरह अंत हुआ, शेर को गांव वाले ने मिलकर पकड़ ली और उसे चिड़ियाघर में भेज दिए। इस कहानी से क्या सीखते हो, 6 नंबर में क्वेश्चन देखो, इस कहानी से क्या सीख, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को ठगना नहीं चाहिए, सताना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। अगर हम दूसरों को ठगेंगे, सताएंगे, मारेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। अब देखो कुछ करने को, पढ़ो और लिखो, 1 नंबर जो है वो पढ़ोगे और लिखोगे। 2 नंबर देखो, उचित शब्द भरकर वाक्य पूरा करो, जंगल के डैश भयभीत थे, जंगल के डैश भय कौन भयभीत थे, जंगल के, यहाँ पे देखो लिखा गया है पशु पक्षी, जंगल के पशु पक्षी भयभीत थे, भेड़ मैदान में डैश, भेड़ मैदान में क्या करते हैं, भेड़ मैदान में चरती है, भेड़ मैदान में चरती है। 9 नंबर देखो, शेर ने भेड़ की ड्रेस ओढ़ ली, शेर ने भेड़ की क्या ओढ़ ली, यहाँ पे लिखा गया है खाल, शेर ने भेड़ की खाल ओढ़ ली, गडेरिया ने ड्रेस निकाला और शेर की गर्दन काट दी, गडेरिया ने छुरा, यहाँ पे छुरा लिखना है, लेकिन ये निकाला और शेर की गर्दन काट दी, हम दूसरों को नहीं
सतावे, क्या लिखोगे? हम दूसरों को नहीं सतावे। उसके बाद देखो 3 नंबर, पढ़ो और समझो और याद करो। इसे 3 नंबर देखो, पढ़ो समझो और याद करो। यहाँ पे देखो भेड़ लिखा गया है, भेड़ भेड़े, दुकान दुकाने, बूंद बूंदे, कलम कलमे। सबसे पहले यहाँ पे एक ही एक, जब एक चीज हो, भेड़ एक है तो भेड़े कहा जाएगा, एक से ज्यादा भेड़ हो तो भेड़े, उस तरह एक दुकान हो तो दुकान, एक से ज्यादा दुकान हो तो दुकाने, उस तरह बूंद बूंदे, कलम कलमे। एक से बहुवचन रूप में दिया गया है, इसको पढ़कर याद करोगे। उसके बाद देखो भेड़ की चित्र बनाओ, यहाँ पे आप एक भेड़ का चित्र बनाओगे। ओके, थैंक यू।